रुड़की की कोर यूनिवर्सिटी में भारत ज्ञान समागम 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे। सबसे पहले गवर्नर को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। आपको बता दें कि विकसित भारत अभियान के अंतर्गत भारत ज्ञान समागम 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देशभर के 22 राज्यों के 50 से अधिक कुलपतियों और 500 से अधिक विद्यालयों के प्राचार्यों ने भाग लिया। शिक्षा समागम में भारत में उच्च शिक्षा के भविष्य में सुधार पर चर्चा की गई, साथ ही उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में सामंजस्य बनाने व बेहतर बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में शिक्षा के नए आयामों पर मंथन हुआ, जिसमें विशेषज्ञों ने नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी को शिक्षा में शामिल करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। समागम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और एक्सेम्प्लरी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रेरणादायक भाषण दिया, जिसमें शिक्षा में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। में आए हैं भारत ज्ञान समागम, क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मेरा आप सबको जय हिंद। आज बहुत सौभाग्य है कि आज रुड़की के अंदर में COR की तरफ से एक ज्ञान विज्ञान समारोह का आयोजन किया गया, और इसमें मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारे राष्ट्र के 26 स्टेट्स में से 26 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जिसमें 60 वाइस चांसलर और 600 की प्रिंसिपल आए हैं। और सबका मकसद ये है कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्र की जो सेकेंडरी एजुकेशन है और हमारी जो हायर एजुकेशन है, इसका जो ट्रांजिशन और गैप होता है, इसकी किस प्रकार से एनालिसिस किया जाए, और किस प्रकार हायर एजुकेशन के बाद में जो कैरियर, जॉब्स और राष्ट्र का सहयोग देना है, वो किस प्रकार से किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मंथन और चिंतन होगा, उसका हमारे राष्ट्र निर्माण के ऊपर में गहरा असर होने वाला है। क्योंकि आज जो मैंने सुना है, आज जो मैंने यहाँ पर सीखा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने राष्ट्र के जो सपना है, जो संकल्प है कि हम भारत को किस प्रकार 2047 के अंदर में हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं, विकसित राष्ट्र बनाएं, और जो हमारा एक नेचुरल प्लेस है विश्व गुरु का, उसको किस प्रकार हासिल करें। अगर ये होगा तो इसका सबसे बड़ा जो आधार है वो शिक्षा है, हमारी परंपरा है, हमारा वो गुरु और शिक्षक का जो रिश्ता है उसके मुताबिक है। आज एक चीज डिसाइड की कि हमारे को किस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इसमें बहुत ही सुंदरता के साथ में स्किल्स की बात की गई है, स्टेम्स की बात की गई है, और किस प्रकार से हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति उसका उसके साथ में कैसे हम जोड़े। ये जो आज मैंने पॉइंट्स सुने, जो आज सुझाव आए, उससे पता लगता है कि वी आर ओपन टू लर्निंग, वी आर ओपन टू रिसर्च, और हम किस प्रकार से कोलैबोरेशन करें, कोलैबोरेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन, अपना इंटरनल कोलैबोरेशन, अपना इंडस्ट्री समाज के साथ में मिलकर किस प्रकार से अपना पूरा करिकुलम, फैकल्टी, अपने सोच विचार धारणा को बदले। ये जो गूंज ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्या टाइम्स इंडिया, रुड़की।